लोकसभा चुनाव में कई मौजूदा सांसदों की टिकट कटने से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। यूपी के शाहजहांपुर में मौजूदा बीजेपी सांसद का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी हो गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने मंत्री के आवास पर जमकर हंगामा काटा। उनके समर्थकों ने रोड जाम करके धरना प्रदर्शन किया है। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि षड्यंत्र के तहत केंद्रीय मंत्री का टिकट काटा गया है। नाराज कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि घोषित प्रत्याशी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। उनकी मांग है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज को ही टिकट दिया जाए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का टिकट शाहजहांपुर लोकसभा सुरक्षित सीट से काट दिया गया है। बीजेपी ने यहां से अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज के सैकड़ों समर्थक मंत्री के आवास पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने रोड जाम करके जमकर धरना प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का टिकट क्यों काटा गया है, इसका कारण बताना चाहिए। साथ ही उनकी मांग है कि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वह बसपा से बीजेपी में शामिल हुआ है, इसलिए उनका टिकट काटकर कृष्णा राज को प्रत्याशी बनाया जाए। उनका ये भी कहना है कि स्थानीय नेताओं का षड्यंत्र के चलते ही उनका टिकट काटा गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर कृष्णा राज को टिकट नहीं दिया गया तो वह घोषित प्रत्याशी अरुण सागर को समर्थन नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि इससे मोदी सरकार को कितना बड़ा झटका लगता है। शाहजहांपुर से प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।